कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मस्त। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करूँ अच्छे ही होंगे। ऋतिका ठीक है, जसपाल, रजत, विक्की, सचिन, शिवम, सभी को नमस्कार भाई। चलो शुरू करते प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये 34। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं 34 के तरीके का आपको। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आ गया 27.6। ओके, किसका है ये 27.6? सौरभ बनर्जी का। ठीक है, और कितने का है? 27.6 है कोई सौर? एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखो जल्दी, बड़ा कैसे करूं? देखो भाई, एवरेज ऑफ नाइन नंबर्स इज 79। नाइन नंबर्स इज 79। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 75। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 75। एवरेज ऑफ नेक्स्ट फोर नंबर्स इज 87। 87 इफ इफ एट नंबर इज इफ एट नंबर इज फाइव मोर देन सेवंथ, फाइव मोर देन सेवंथ एंड वन मोर देन नाइन्थ, वन मोर देन नाइन्थ, फाइंड नाइन्थ नंबर। फाइंड नाइन्थ नंबर लिखो भाई। क्या कह रहा भाई? नौ संख्याओं का औसत सेवेंटी नाइन है। पहली दो संख्याओं का औसत 75 है यदि उसके आगे की चार संख्याओं का औसत 87 है, आठवीं संख्या सातवीं से पांच ज्यादा और नौवीं से एक ज्यादा हो
तो नौवीं संख्या ज्ञात करें। नौवीं संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और आंसर बताओ फटाफट, जल्दी बताओगे। एक ऑप्शन मांग रहा है मेरे से, ले भाई तुझे भी दे ऑप्शन। 68, दूसरा 69, तीसरा 73, चौथा चौथा नोटा, नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ फटाफट ऑप्शन।
अबे क्या कर रहे हो, इतना टाइम कौन लेता भाई। पहली दो का 75 है, उसके आगे चार का 87 है, टोटल का 79 है। ओके देखो इधर, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ संख्याएं हैं, एवरेज 79 है। इसके पहली दो का 75, इसके आगे की चार का 87, ठीक है भाई। अब सबसे पहले बात करो, फटाफट देखो अभी इधर, फटाफट बहुत हो गया। आपको क्या समझाया था, ये 79 है, ये 75 है, तो इसका मतलब ये चार कम संख्याएं दो हैं, तो -8। बोर्ड की तरफ फोकस रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 79 87 +8, संख्याएं चार हैं, 8 चौक 32, तो +32। बताओ समझ आई यहां तक बात। ठीक है, अब देखो एक जगह से आपको 8 रुपए का नुकसान और एक जगह से आपको 32 रुपए का फायदा, तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे बताओ कि क्या जुगाड़ होगा, जल्दी बताओ फटाफट। 24 हो गया, ठीक है, 24 रुपए का फायदा हो गया। तो 24 रुपए का जो फायदा होगा वो इन तीन की वजह से होगा, और 24 रुपए अगर तीन में टूटेंगे मतलब -24 ट्रीट होगा, और संख्याएं तीन है तो तीन से डिवाइड कर दिया तो माइनस हो गया 8। ठीक है, ये 79 था, तो 79 -8 कर देंगे भाई, तो 71 एवरेज हो जाएगा इन तीन नंबर का, किस किस का, 8, 7, 8 और 9 का, 7, 8 और 9, मतलब 7, 8, 9 जो नंबर है उनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, 71 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, क्लियर यहां तक, ध्यान देना बोर्ड की तरफ भाई। अब देखो यहां कर देते थोड़ा सा, सेवंथ एट और नाइन, अगर इसे ए मानेंगे तो ये a+5 हो जाएगी, क्योंकि 5 ज्यादा है, और जो 8th है वो इससे एक ज्यादा है, इसका मतलब ये a+4। क्लियर, अब इनका अगर एवरेज निकालोगे तो देखो ए ए ए मतलब 3a+9, सम हो गया, तीन संख्याएं तीन से भाग दे दिया तो जो एवरेज आएगा वो a+3 हो गया। हमारे हिसाब से इसका एवरेज इन तीनों नंबर का कितना हो गया, a+3, लेकिन यहां कितना है, 71, तो ये a+3 = 71 के, a+3 = 71 के। अगर a+3 = 71 है तो इसका मतलब a = आप 68 क्या दोगे, कितना कहोगे रे, अगर a+3 = 71 है तो a = 68 हो जाएगा, इसका मतलब 68 सातवें नंबर, 68 + 5 कितना हो गया, 68 + 5 73, और 68 + 2 72। बस मजा रही है, 68 + 4 72, 68 + 5 73, और ये 68। तो आपसे पूछा क्या था, नाइन्थ नंबर, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 72। नोट करो, अगर कोई बात समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना। संदीप कुमार देख रहा है, सर 24 को डिवाइड क्यों किया गया, देख मेरे भाई जब ये 32 आएगा तो 32 से वापस 8 पर जाने के लिए चार संख्याएं हैं तो भाग देना पड़ेगा, मतलब अगर मैं यहां कहूं कि 32 भेजना है इसके हिस्से में, तो चार संख्याओं के हिस्से में 32 जाएगा तो एक के संख्या में 8 जाएगा, ऐसे ही 24 भेजना था तीन संख्याओं में तो एक में 8 जाएगा। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट कर लो, जो बात समझ नहीं आएगी पूछ लेना। अबे +24 था ना, तो उस तरफ -24 नहीं जाएगा, भुला गए 2 दिन में ही।
है, ए प्लस थ्री कैसे हुआ? अबे ए प्लस ए 3 हो गया और 5 प्लस 4 9 हो गया। जब 3 से डिवाइड कराओगे तो ये ए रह जाएगा, और 3 से डिवाइड कराओगे तो 3 रह जाएगा। पिछली वीडियो देख लेना उत्पल माला कर, अपने आप समझ आ जाएगा कि +8 क्यों नहीं लिया, -8 ही क्यों लिया। तुम मुझे तो पागल करी दोगे, खुद तो वही रखे हो। प्रवेश सर समझ आ गया अब, क्लियर? चलो तो अब करो क्वेश्चन नंबर जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, ये देखो अब कर जाओगे आप इसे। एवरेज ऑफ फोर रीडिंग्स इज 24.3, ये पेपर में आया हुआ बिल्कुल एज इट इज इन हिट डिजिट्स के ऊपर। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, डोंट वरी। एवरेज ऑफ फोर रीडिंग्स इज 24.3, आउट ऑफ विच द एवरेज ऑफ फर्स्ट टू रीडिंग्स इज 18.5 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट थ्री रीडिंग्स इज 21.2। इफ द सिक्स्थ रीडिंग इज 3 लेस देन 7 एंड 8 लेस देन 8, व्हाट इज द सिक्स्थ इन रीडिंग्स? हिंदी वाले पढ़ लो भाई। 8 संख्याएं हैं, 24.3 एवरेज है। 1 2 3 4 5 6 7 8। एटीन पॉइंट फाइव पहली दो का, आगे की 3 का 21.2। ठीक है तो पहले इस पे आ जाओ। इंग्लिश में 4 की जगह 8 कर लेना पहले डिजिट पे, पहला जहां 4 लिखा होगा वहां 8 कर लेना, बस सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है वो। देखो 24.3 में से आप 18.5 घटाओ, ट्वेंटी फोर पॉइंट थ्री माइनस 18.5, जल्दी बताओ घटा गए। 5.8 आ गया माइनस, ठीक है, और नंबर 2 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, 58 गुना 2 तो 11.6 हो गया माइनस का, ठीक है। 24.3 माइनस 21.2, 3.1 हो गया माइनस का, तो इंटू 3 कर देंगे तो -9.3। तो ओवरऑल की बात करोगे तो माइनस हो जाएगा 20.9। क्लियर? तो ये जो 20.9 है वो किस में जाएगा? इन 3 नंबर्स में। एक के लिए डिवाइड कराएंगे इसे 3 से, 20.9 डिवाइड बाई 3, या फिर इसे ऐसे रख ले, ये हो जाएगा प्लस 20.9 डिवाइड बाई 3, और ये किस में आएगा? 24.3 में, ठीक है। तो ये एवरेज हो जाएगा इन 3 नंबर्स का
7 8 ठीक है। तो एवरेज कितना होगा? 24.3 प्लस 20.9/3। क्वेश्चन में क्या कह रहा क्वेश्चन देख लो। यदि छठा पठन सातवें से 3 कम है, छठा जो है सिक्स सिक्स सेवंथ एट्थ, छठा पठन जो है भाई वो सातवें से 3 कम है, तो सातवें से 3 कम है, तो अगर ये से ए रखूं तो ये ए प्लस 3 हो जाएगा, और आठवें से 8 कम है, छठा पठन सातवें से 3 कम है और आठवें से 8 कम है। देखो अब ठीक है क्या, बात समझ आई? तो इसका एवरेज अगर हम निकालेंगे, देखो 3A तो प्लस 11 हो जाएगा सम, क्लियर? 3A प्लस 11 इसका सम हो गया, तो डिवाइड कराऊं से 3 से, तो ए प्लस 11/3 एवरेज हो गया, ठीक है? तो यहां ले आए इसे, ये इसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस 11/3 इज इक्वल टू 24.3 प्लस 20.9/3। तो इसे कह सकते हैं आप 3A प्लस 11/3, और इसे कह देंगे हम कर लोगे सोल्व यहां से 3A 72.9 प्लस 20.9, फटाफट बता दे रहा हूं, 72.9 प्लस 20.9 93.8 हो गया, माइनस कर देंगे 11 तो 82.8 हो गया, तो 3A इज इक्वल टू हो गया 82.8, और इसे भाग दे देंगे भाई कितने से, 3 से, तो 27.6, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 27.6। अब जो भी आपसे पूछेगा वो आंसर नोट कर लो, ये अगर ए था तो ये ए प्लस 3 है और ये ए प्लस 8 है, ये बात ध्यान रखना। तो ये कहां से आया, इसका एवरेज निकाल दिया हमने 3A प्लस 11 और बाई 3, नोट कर लो। अबे निकम्मा, जब माइनस था तो प्लस किया, उल्टा बताया हुआ है 20 बार भाई, दो तीन बार बता चुका मैं, ठीक है? यहां माइनस होगा तो वहां प्लस यूज करेंगे, प्लस होगा तो माइनस यूज करेंगे, उल्टा यूज करते हैं। पहले की वीडियो देख के आओ, पीछे के पार्ट आप देखते नहीं हो, इसी वजह से फिर यहां रोते रहते हो। अब तुम ये उम्मीद करो कि मैं पिछला पूरा रिकैप करूं, तो देख ऐसा पॉसिबल नहीं है, दो क्लास करा चुका मैं, दो क्लास का कैसे रिपीट कर दूंगा अभी? चलो आगे।
35 पे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 जल्दी करो सारे। किसी परिवार के 6 सदस्यों की औसत उम्र 22 वर्ष है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के समय, जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? देखो इधर, 6 7 सदस्य हैं टोटल, किसी परिवार के 6 सदस्यों के 22, सबसे छोटे उम्र की, सबसे छोटे सदस्य के 7 वर्ष है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्यों की जो टोटल उम्र है वो 22 साल है, ठीक है, सबसे छोटा जो है उसकी 7 साल है, तो इसके जन्म के समय, मतलब जन्म के समय आपसे एवरेज एज पूछ रहा है उस फैमिली की, तो दो तरीके, या तो इस पे लेके आ जाओ कि ये 5, ठीक है, तो 5 पार्ट पर डिवाइड जाएगा वो, या फिर आप डायरेक्टली आ जाओ, देखो कैसा होगा, डायरेक्टली 6 सदस्य हैं, उनकी औसत उम्र 22 वर्ष है, तो 22 गुणा 6 कितना हो गया, 132, तो 6 की एज का जो समय है वो 132 आया, अभी 7 साल का ये है, 7 साल का ये है, तो इसमें से क्या हो गया, 42 घटा दो भाई, क्यों घटा दिया 42, देखो 7 साल का ये है तो ये भी सारे 7 7 साल बढ़ के आए होंगे, देखो फिर से, देखो 7 साल का एक लड़का हो गया, लिख दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बढ़ के आए, तो ये भी 7 साल का, तो मान ले हमने ये भी सारे 7 7 7 7 साल बढ़ गए, तो 6 7 42 हो गया होता, तो अगर हम इसमें से 42 घटा देंगे तो इसके जन्म के टाइम की इनका एज का सम आ जाएगा, 42 अगर हमने इसमें से घटाया तो 0 और 9, ठीक है, तो 90 आ गया एज का सम, कितने है 6, तो 90 और डिवाइड बाय उस टाइम 5 थे तो 18 साल आंसर आ जाएगा, नोट कर लो भाई, नहीं समझ आई वो बात तो पूछ लेना, बिल्कुल 18 सभी को समझ आ गया, कोई से को अभी भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, क्लियर हो गया, इससे आसान और डायरेक्टली क्या लेगा भाई, और सिंपल है तो, चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया आपका, 36 करो जल्दी, ये आसान क्वेश्चंस हैं बहुत ही, ठीक है, फटाफट करो, पति पत्नी की औसत आयु 5 वर्ष पहले शादी के वक्त 23 वर्ष थी, पति पत्नी और एक बच्चा इसकी दरमियान पैदा हुआ था, तो औसत आयु 20 वर्ष है, बच्चा इस समय कितने वर्ष का है, देखो जल्दी, दो तरीके हैं, या तो मैं मान लूं कि 23 साल का वो लड़का था और 23 साल की वो लड़की थी, ठीक है भाई, तो 5 साल के बाद ये 28 का हो गया होगा, और 5 साल के बाद ये भी 28 की हो गया होगा, तो 28 28 56 साल, 28 28 56 साल, बात क्लियर, अब 3 हो गए, एवरेज है 20 साल, तो 20 गुणा 3 60 साल, और 60 साल में कौन कौन होगा, वो लड़का होगा, वो लड़की होगी, और उनका एक छोटा नन्ना मुन्ना जादूगर बच्चा होगा, 56 साल समय उस लड़के का और उस लड़की का, 60 साल तीनों का, इसका मतलब 4 साल का जादूगर है,
बताओ, बात समझ आई? बेटे बच्चे जादूगर ही होते हैं। हजरा चलो आ गए। देखो कर तो है, दूसरे से भी सक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मान लूं 1 2 3, तीनों की एज का सम 20 है, पहले दो 23 साल हैं और 5 साल शादी को, तो इनका एज का जो हो जाएगा 28। तो 20 से 28 प्लस 8 गुणा दो करने पड़ेंगे क्योंकि दो पार्ट है, तो +16। तो यहाँ आने के लिए -16, तो 20 माइनस 16 आंसर 4 साल, तो बच्चा 4 साल का। अरे एक बार यूज करना आ जाएगा तो फिर कैसे भी कर लो, बॉय गर्ल चाइल्ड। यूज करना नहीं आ रहा फिर दिक्कत आएगी आपको। समझ आई बात? अरे दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी? बोलते ही नहीं। देखो 36 हो गया भाई, पढ़ो 37वां। क्वेश्चन नंबर 37। बढ़िया।
हो गया। 5 वर्ष पहले ए बी सी डी का औसत आयु 45 वर्ष था, ठीक है भाई। अब ई के सम्मिलित होने पर पांचों की औसत उम्र 49 वर्ष है, ओके। तो 5 साल पहले ए बी सी डी की औसत आयु थी 45 वर्ष थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 45 वर्ष थी औसत आयु, तो 50 हो जाएगी। अब ए बी सी डी इनकी होगी 50। ई सम्मिलित हो गया, हो गया ई सम्मिलित, तो 49 वर्ष हो जाती है, ठीक है। ये हो गया प्लस 1 कितने में भाई, 4 में, तो -4 प्लस 4 हो गया, -4 यूज करेंगे तो 49 -4 45 ईयर्स आंसर सी। बताओ सही रहा। क्लियर सभी को, वेरी गुड। इंग्लिश वाले पढ़ो, फिर हिंदी वालों को पढ़ाता हूँ। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। फटाफट पढ़ो भाई। बहुत गंदा है दिल्ली का मौसम। हो गया 38, 38 ये लो भाई। चालीस विद्यार्थियों की औसत उम्र, जो हिंदी वाले हैं पढ़ेंगे ध्यान से। 40 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 163 63 सेंटीमीटर है। किसी खास दिन 3 विद्यार्थी ए बी सी अनुपस्थित थे और शेष 37 विद्यार्थियों की औसत उम्र 162 सेंटीमीटर पाया गया। यदि ए बी की ऊंचाई बराबर है तो सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, ए की ऊंचाई निकाले। देखो 40 विद्यार्थी थे, तो 40 में 37 विद्यार्थियों की बात करते पहले हम, 37 स्टूडेंट्स की। तो ये 37 स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, इनकी है 162। क्लियर भाई, ये हो गया ए बी सी, ए बी सी तीनों ऐड कर लिया, 40 हो गया। 40 होते 163 हो गया, क्लियर। 163 162 -1, और कितना में घटेगा, 37 में, तो -37, क्लियर है। तो इस तरफ जाएगा तो +37 जाएगा, और +37 भी डिवाइड होगा कितने से भाई, 3 से, तीनों में, याद आ रही बात। तो ये 163 में प्लस हो जाएगा इतना, 163 +37/3 इसका एवरेज हो गया इन तीनों का, क्लियर। अब यहां क्या कह रहा है, ए बी की ऊंचाई बराबर है, तो ए की अगर ऊंचाई ए है तो बी की ऊंचाई भी ए है। सी की ऊंचाई ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो इसका मतलब ये ए -2 है, ठीक है भाई। अब इन तीनों के एवरेज की बात करोगे तो ये कितना हो गया, 3a -2/3, बात समझ आई। तो इसका मतलब एवरेज आ जाएगा ए -2/3, और एवरेज एवरेज के बराबर, तो ए -2/3 इज इक्वल टू 163 × 3 +37/3। तो अगर मैं इसे यहां से ऐसे लिखूं, मैं इसे लिखना चाहता हूं 3a/3, तो 3 से 3 काट दिया। अब देखो कंडीशन सीधी है, 163 × 3 +37, 163 × 3 +37
टोटल हो गया 526, उसमें जोड़ेंगे प्लस 2, इस तरफ जाएगा तो 528, और भाग देंगे 3 से तो 176। तो ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, 176। और वो हमारे से पूछ भी क्या रहा है, ए की ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 176। नोट करो फटाफट, 176। आशुतोष का सही है, संदीप का सही है और आदित्य का सही है, बस तीन बच्चों का सही आया। भाई सभी को कोई दिक्कत तो नहीं, कोई सको बिल्कुल पिछले वाले के तरीके से ट्रीट करा दो और फटाफट फेंकते चले जाओ उनसे। आप एक बात देख रहे हो, ये मेथड कितना ज्यादा इफेक्टिव है, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस जो आपको देख के आपको लगता होगा यार ये कैसे होगा ये कैसे होगा, सारे के सारे इस मेथड पर टिका दे रहे कि नहीं टिका दे रहे हम। मैंने आपको यही बात बताई थी, 70% क्वेश्चंस को एवरेज के ये खा जाएगा अकेला, ठीक है। 70% क्वेश्चंस को भाई पीडीएफ दी हुई है, पीडीएफ डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकलवा लिया करो, ठीक है, उससे पढ़ा करो, ठीक है। अदरवाइज आंखों पर इतना जोर पड़ेगा तो परेशान रहोगे तुम पूरा जीवन। मैं बोल रहा हूँ फिर से, मुझे तो यहाँ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इस वजह से मैं कराता जाता हूँ। तुम लोग पीडीएफ जो ये दी जाती है तुम्हें उसे हार्ड कॉपी में निकलवा लिया करो, अदरवाइज बहुत परेशान रहोगे बाद में तुम। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं मुझे यही बात, ठीक है, कि सर दिक्कत होती है इस पे, तो होती है वो सभी को, जब हर टाइम ये देखते रहोगे तो उसे हार्ड कॉपी को साइड में लेकर बैठा करो तो पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी इतनी। अरे जब सारे क्वेश्चन से एक 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 करके मैं खुद करा रहा हूं तो अब आंसर्स की क्या रहेगी दिक्कत, कहां प्रॉब्लम आ रही है? अब एक भी क्वेश्चन छोड़ा मैंने अब तक कि हाँ नहीं तुम ये खुद कर लेना इसकी कैलकुलेशन भी, लास्ट में आंसर देकर छोड़ रहा हूं सारे क्वेश्चन का, एक भी क्वेश्चन बता दे कि हाँ सर आपने ये क्वेश्चन स्किप किया। 39 पढ़ो, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी का आधा है, तीन संख्याएं हैं बिल्कुल, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है, ठीक है, पहली दूसरी से दोगुनी है और तीसरी की आधी है, तो ऑप्शन से उठा लो, पहली संख्या जो है वो दूसरी से दोगुनी है, तो पहली संख्या 48, 24 गुणा दो 48, और फिर कह रहा है तीसरी का आधा है, तीसरी का आधा 48 से 96, ठीक है, तो सही तो है, बी ऑप्शन सही हो गया। बताओ करना ही नहीं इसमें तो कुछ, भाई आप एक बात चेक करो, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी है तो पहले देखो दूसरी में दोगुनी कहां चल रही है, पहली वाली 48 से 96 चल रहा है लेकिन ये इसका आधा नहीं है, 24 से 96 दोगुना ही नहीं है, 48 दोगुना ही नहीं है, तो बचा ऑप्शन बी, बच्चा बता देगा, करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्लियर है। अरे समझ आ गए सभी को, हाँ ये गलती टॉप रैंकर्स वालों की है भाई, फिर मेरी नहीं है, मैंने दे रखी है, ठीक है, मेरा काम पीडीएफ देने का है, आपको पीडीएफ यही चाहिए तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाओ, फिर टेलीग्राम का ग्रुप है मेरे वालों में आ जाओ, सारी पीडीएफ मिल जाएंगे जो चलते जाएंगे, मैथ्स विद अजय राणा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसमें से उठा लो पीडीएफ, इसमें नोट्स वगैरह पड़े हुए हैं ज्योमेट्री वगैरह के, और भी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हुई है। मैथ्स विद अजय राणा करके टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां आ जाओ सारे। ठीक है,
चले आगे, समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, 39 हो गए तो पढ़ेंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40, 40। ओके okay। हाँ, जो है वो डाउट ग्रुप में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आई बात। तीन व्यक्ति एबीसी हैं, औसत वजन 84 किलोग्राम, एक दूसरा समूह डी में सम्मिलित होता है और औसत वजन 80 हो जाता है। तीसरा व्यक्ति इसका वजन डी के वजन से 33 किलो अधिक है, समूह में ए को प्रतिस्थापित करता है, तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है, तो ए का वजन ज्ञात करो। कैसा महसूस कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? देखो एबीसी है, एबीसी है, तीनों 84 किलोग्राम है, तो 84 गुना 3 कर दो, 252 हो जाएगा। 84 गुना 3 करोगे तो 80 गुना 3 240, और 4 गुना 3 12, तो 240 और 12, फीलिंग फैंटेस्टिक। ओके ठीक है, देखो फिर क्या कह रहा है। एक दूसरा व्यक्ति डी समूह में सम्मिलित होता है, मतलब डी आ जाता है और औसत वजन 80 हो जाता है। डी आने का मतलब ए बी सी और डी आ गया, 80 हो गया, तो 8 चौक 32, 320 हो गया सम। ठीक है, यदि तीसरा व्यक्ति जिसका वजन डी के, तीसरा व्यक्ति नहीं है, वो क्वेश्चन गलत लिख लिया। अनदर मैन डी जॉइंस द अराउंड एवरेज नाउ बिकम 80 इफ अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए। अगर देखो ये लाइन यहां से उठाओ, इफ अनदर मैन ई Whose weight is 3 more than that of D, मतलब D से 3 ज्यादा है, तो वो A को रिप्लेस कर देता है। E है एक व्यक्ति, यदि E व्यक्ति
जिसका वजन डी के वजन से 3 किलो अधिक है, ए को हटा देता है, ठीक है, ए की जगह आ जाएगा ई, और डी से वो 3 ज्यादा है। बात समझ आ रही है? अगर ए की जगह ई आ जाएगा तो हम यहां लिख सकते ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि सर ये 320 तो ये तो है ही ऐसे कैसे ही। अब इसकी जगह अगर आप डी प्लस 3 लिखोगे, ई की जगह डी से 3 ज्यादा है, तो डी प्लस 3 प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 320। तो आप लिख सकते बी प्लस सी प्लस 2D बराबर 317, ठीक है। क्लियर है भाई? और जो E है वो किसके बराबर जा रहा है? D प्लस 3 के। फिर कह रहा है समूह में A को प्रतिस्थापित करो, ठीक है। B C D E का औसत वजन 79 हो जाता है, B C D का औसत वजन 79 हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे यहां से कह सकते, एक सेकंड, ये तो और आसान हो गया ये लाइन पढ़ने के बाद। इसे यहां से हमने हटाया, इसे भी हटाया, इसे भी हटाया। तो बी सी डी का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है? बी सी डी का औसत वजन 79 हो जाता है। देखा ना, देखिए रहा 79, तो 79 × 3 मतलब आप इसे कर दो 18 × 3, तो 8 × 32 320, और इसमें से घटा दो 3, कितना रह जाएगा भाई? ई बराबर नहीं हो जाएगा 320 माइनस 79 × 3? 71, ठीक है। ई इज इक्वल टू कितना? 320 माइनस 79 × 3, दो सौ सैंतीस, ठीक है। 237 घटाएं किसमें से? 320 में से, तो आ जाएगा 83। तो डी का वजन 83 आ गया, ई का 83 आ गया। अगर ई 83 है तो यहां आप कह सकते सर ये 83 होगा, तो डी बराबर 80 नहीं हो गया? तभी तो 83 होगा, डी 80 हो गया। अब किसका पूछ रहा है? ए का वजन पूछ रहा है, ए का वजन पूछ रहा है। अब हमें पता चल गया, देखो यहां पे ई का पार्ट ही हो गया, ई का पार्ट कितना हो गया? 83, वेरी गुड। प्लस डी का पार्ट कितना हो गया? 80 प्लस बी प्लस सी और बराबर 320 के हो गया इस वाले पार्ट से, या फिर यहां से बोल सकते आप, ठीक है। तो ये कितना हो गया? बी प्लस सी बराबर हो गया मेरे भाई 320 और माइनस 80, 80 160, 163। तो 320 माइनस 163 हो गया बी प्लस सी का। तो इस बी प्लस सी की जगह यहां रख सकते हैं हम 320 माइनस 163, और आंसर आ जाएगा ए का। यहां से आपका कितना आएगा? टू फिफ्टी टू माइनस 157, ए का वजन आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे? चलो 41 करो फटाफट। फोर्टी वन करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं अच्छा सा। जल्दी बताओ, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर बताना, फिर रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा रिपीट।
पहले से करो आप फटाफट जल्दी। क्या कर रहा है? ए बी की औसत उम्र 20 साल है, तो सम कितना होगा? 40। देखो ए बी की औसत 20 है तो सम 40 हो जाएगा, 20 गुणा 2। सी ए को प्रतिस्थापित करता है तो औसत 19 हो जाता है। सी जो है वो ए को प्रतिस्थापित करता है, तो सी और बी 19 दुनी 38, ठीक है। सी बी को प्रतिस्थापित करता तो 21 होता, 42 हो गया। ए बी सी की उम्र क्या क्या है? देखो अगर जोड़ दोगे तो 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 और 2 10, 1 हो गया, 4 4 8 और 3 11 12, ठीक है। तो हमें पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 60 के। तो देखो अगर बी प्लस सी को हटाओगे 38, मतलब यहां से 38 करोगे, तो ए की एज आ जाएगी यहां से कितनी? 60 माइनस 38, तो 60 में से 30 गया, 30 रह गया, 30 में 60 गया तो 22 रह गया। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो 22 दिखाई दे रहा, कोई समय या तो ए होगा या सी होगा, ठीक है। अब उसके बाद ए तो 22 आ गया, अब बी सी बी की निकालते तो फिर वही से देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 क्या है? बी को देखो, बी तो बी निकालने के लिए ए सी हटाना पड़ेगा, मतलब 42, तो 42 हट जाएगा। अब देखो कितना बचा, 60, वैसे 42 गए, 60 में 40 गए, 20, और ये हो गया 18, ठीक है। तो 18 ये हो गया बी। अब फिर देखोगे ए बी सी 60 है, ठीक है, ए बी सी 60 है, ए बी हटाओगे 40 तो सी हो गया 20, ठीक है, अलग अलग निकल जाएगी, नन ऑफ दीज पर मिलेगा इसका ऑप्शन। क्लियर? 22 18 20, ठीक है। भाई वो ए बी सी के सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसमें ए ठीक है, बी ठीक है, सी नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। समझ आ रही है बात? देखो इसमें एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है, नन ऑफ दीज होना चाहिए था यार ऑप्शन, इसमें हटा के इसकी जगह नन ऑफ दीज कर दे। टाइपिंग में होगी हुई गड़बड़, ठीक है, समझ आ गया ना? क्वेश्चन ऑप्शंस मिल जाएंगे पेपर में उसी तरीके से, यहाँ हमारे टाइपिस्ट थोड़े से ज्यादा महान है, वे कर देते हैं कांड, ठीक है भाई। अबे क्वेश्चन समझ आया बताओ जल्दी फटाफट, क्वेश्चन समझ आया तो वाई टाइप कर दो, वाई। जल्दी देखो फटाफट, चलो तो आगे चले। देखो एक बार और करा देता हूँ, बच्चे बोले 40 के लिए, सर इसे एक बार और करा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लो एक बार फिर से। ए बी सी का औसत वजन 84 किलोग्राम है, तो हमने से यहां लिखा, देखो ए बी सी जो है उसका औसत वजन 84 kg है, ठीक है। तो सम की अगर बात करेंगे तो 84 × 3 कर देंगे, अब इससे आगे कहते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति डी समूह में सम्मिलित हो जाता है तो औसत वजन 80 हो जाता है, औसत वजन 80 हो जाता है। तो ए बी सी डी चार आए,
तो 80 × 4 हो गया, ये कितना हो गया था, मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 या 24 252 और 8 × 32 320, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे देखो अब, फिर यदि ई यदि ई व्यक्ति जिसका वजन डी से 3 किलो ज्यादा है, तो ई जो है वो डी से 3 किलो ज्यादा है, हमने ये लिख लिया, यहां लिखा हमने ई जो है वो डी से 3 ज्यादा है, ठीक है। समूह में से एक को प्रतिस्थापित करता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है, इसका मतलब बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है, तो 79 × 4 कर दो, कितना हो गया, नौ चौक 36 3, 7 × 28 और 3 31, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इससे आगे आ जाओ, क्या पूछ रहा है, ए का वजन पूछ रहा है यहां से। अब देखो हमारे पास में तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं, तो यहां से फर्स्ट और सेकंड से जब बात करेंगे तो देखो अगर इसमें से घटा दोगे, यहां से फर्स्ट और सेकंड से कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड से तो देखो घटाते के साथ ही तो ये कट गया, ए बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, ठीक है, तो डी आ जाएगा कितना, डी आ गया यहां से 320 − 252, ठीक है, तो डी बराबर हो गया 320 − 252, कितना हो जाएगा 68, फिर देख लो 320 − 252 तो 68 हो गया, किसका वजन, डी का। अब देखो अगर डी का वजन 68 है तो ई बराबर पता चल जाएगा यहां से कि सर 68 + 3 71 हो गया, ई का पता चल गया, डी पता चल गया, ई भी पता चल गया, ठीक है, तो यहां पुट कर दोगे आप, यहां पुट करोगे देखो बी सी, डी और ई को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, +68 हो गया, +71 हो गया और बराबर हो गया 316 के, क्लियर है, देखो जल्दी फटाफट, तो 68 + 71 कितना हो गया, 139, और इसमें से घटा दें 316 में से तो 177 हो गया, तो बी प्लस सी बराबर हो गया 177। अब फर्स्ट वाले पार्ट को उठाओ, यहां से पता है कि ए बी सी बराबर है 252, तो ए बराबर हो जाएगा 252 − 177, तो 252 − 177 तो 75 आ जाएगा ए का वेट, नोट करो, अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो दोबारा पूछ लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं होगी भाई, जसपाल का राणा जी कह रहे सर इस बैच के बाद मेंस का बैच ज्वाइन करने की नीड होगी, ये क्वेश्चन देख रहे हो तुम, ये मेंस की चल रहा है, इस कैलकुलेशन समझ आ जानी चाहिए इसकी, कि कैलकुलेशन मेंस लेवल पर जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, प्री में आता है ऐसा क्वेश्चन, एक भी नहीं आएगा ऐसा कभी, क्लियर, अभी कोई दिक्कत है क्वेश्चन को तो बता दो,
पूरी पीडीएफ देख लो भाई, सारे के सारे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रफ कर दूँ इसे, हटा दूँ यहां से, पूरी पीडीएफ देखो, एक से लेके और 10 तक कोई दिक्कत है तो पूछो फटाफट। एक से लेकर 10 तक देखो कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं है। 11 से लेकर 20 तक कोई दिक्कत इसमें? ऑल क्लियर। क्लियर है, ठीक है। कंप्लीट पीडीएफ में कोई क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर रहा है? पूरी पीडीएफ में नो डाउट। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे? अभी बताता हूं बस। चलो क्वेश्चन करके दिखाओ। अब जैसे मेंस की बात कर रहा था तो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, अभी थोड़ा पीडीएफ से हटके है। एट मेंबर, सारे करके दिखाएंगे। अब पढ़ चुके ना आप, एवरेज पूरा पढ़ लिया, एवरेज करके दिखाओ। एट मेंबर स्पेंट ₹30 पर मेंबर ऑन फूड, ऑन फूड, बट नाइन्थ मेंबर स्पेंट, नाइन्थ मेंबर स्पेंट ₹20 मोर देन टोटल एवरेज, बट नाइन्थ मेंबर स्पेंट ₹20 मोर देन टोटल एवरेज, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, फाइंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड। आठ आठ सदस्यों ने अपने खाने पर 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च किया। खर्च किया लेकिन नौवे सदस्य ने कुल औसत से 20 रुपये अधिक खर्च किया, 20 रुपये अधिक खर्च किया तो खाने का कुल खर्च ज्ञात करें। करो भाई। अभी तक आंसर आया है आदित्य गलत है, मोहम्मद तस्कीन गलत है, सूरज कुमार शर्मा गलत है, एक का भी सही नहीं है। मतलब सौरभ बनर्जी पिछले 4 साल से पढ़ा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, ये भले 19 में आया हो।
अमित गलत है, सौरव गलत है, रजत गलत है, उत्कम गणेश गलत है, पुरुषोत्तम गलत है। भेजते जाओ, गलत की लाइन लगाओगे आज तुम। प्रभु, सूरज, शुभम, बस ये तीन प्राणी सही हैं। चलो पहले एक बार ट्रेडिशनल पर समझ लो, उसके बाद फिर सीधा समझा देता हूँ आपको। देखो, आठ आदमी है भाई, ठीक है? तो आठ आदमी ने 30-30 रुपए के हिसाब से दिया, तो 30 गुना 8, मतलब क्वेश्चन का थीम ये है। जैसे मान लो 9 दोस्त हैं, 9 दोस्त में से 8 बेरोजगार है और एक की नौकरी लगी हुई है, ठीक है? तो आठ ने कहा कि भाई हम तो 30-30 रुपए खर्च कर सकते, इससे ज्यादा खर्च करने का अपना जुगाड़ नहीं है। तो 30-30 रुपए उन्होंने दिए, उसके ऊपर का जो सारा खर्च था वो कौन वहन करेगा? जिसकी जॉब लगी हुई है। बात समझ आई? मतलब उन 9 में से 8 ने ये बात बोल दी कि हम 30-30 रुपए देंगे, उसके बाद जो 9वां आदमी है वो पूरा खर्च वहन करेगा। तो 30-30 रुपए इन 8 ने दे दिए, ठीक है? 9वें आदमी
एवरेज से 20 रुपए ज्यादा दिए, मतलब जितना उसके हिस्से में आ रहा था नोवे के उसने उतना तो दिया ही दिया है, उससे 20 रुपए ज्यादा और दिए, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया वहां का। अब टोटल आदमी 9 है तो 9 से हमने से डिवाइड कर दिया, टोटल आदमी 9 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ जाएगा, और एवरेज हमने लेट किया हुआ है कि एवरेज कितना है, ए है। बात समझ आई? क्लियर है? अब समझो ध्यान से, इसे क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 3 240 भाई, प्लस ए प्लस 20 और बराबर 9 ए के, तो 260 इसे उस तरह भेज दूं, 8 ए बराबर 260 के हो गया भाई, तो ए बराबर हो गया 32.5। बताओ सही है कि नहीं है? ठीक है, एवरेज हो गया 32.5। अगर सीधा करना चाहते 32.5 तो 9 आदमी हैं तो गुणा 9 करोगे तो आंसर आ जाएगा 292.5। नोट कर लो। कितनों को नहीं आती आवाज? आवाज में प्रॉब्लम है? आ रही है भाई? रिफ्रेश कर रहे हैं विक्की कुमार? क्वेश्चन समझ आ गया? अगर आप ऐसे भी ये भी लिखने लिख सकते सर, 30 30 दिए 8 ने, एवरेज आ गया 32.5 और प्लस 20 टोटल खर्चा, तो ये भी था सर भाई, ये तो 8 आदमियों का खर्चा था, 8 मेंबर्स का, और ये 9th मेंबर का था, तो वो आपसे इस क्वेश्चन में 9th मेंबर का भी पूछ सकता खाली, तो अगर 9th मेंबर का पूछेगा तो 52.5 हो जाएगा, ध्यान रखना, 240 ये हो गया और 52.5 ये हो गया, तो आंसर तब भी 292.5 ही आएगा। अगर खाली 9th मेंबर का पूछेगा तो एवरेज से 20 ज्यादा, एवरेज 32.5 प्लस 20 तो उसका हो जाएगा 52.5। क्लियर है? अब ध्यान दो, देखो ये तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि ट्रेडिशन पार्ट था, समझने की जरूरत क्या है, देखो 8 आदमी है, 1 2 3 ऐसे चलते हुए 8 आदमी है, और ये 9वां आदमी मानव, ठीक है भाई, तो इसने क्या कहा, इन 8 ने 30 30 30 30 30 रुपए खर्च किए सब, इन्हें 9वें ने एवरेज से 20 ज्यादा खर्च किए, तो एक बात सोच के बताओ, अगर ये सारे के सारे रोजगार होते, सारे के सारे मतलब सबके पास रोजगार होता, तो सारे अपना अपना हिस्सा दे रहे होते, लेकिन इस 9वें आदमी को 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 9वें आदमी को जो 20 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े वो किस रीजन की वजह से देने पड़े, क्योंकि इनका खर्चा वहन करना था, तो जो 20 रुपए एक्स्ट्रा गए वो कितने की वजह से गए, इन 8 हरामखोरों की वजह से गए, तो इसका मतलब जो ये 20 रुपए डिवाइड करा दिए, ये हमने इन 8 आदमियों में डिवाइड कराए, तो एक के हिस्से में क्या 2.5 नहीं आ जाएगा, कि एक आदमी के लिए उसने 2.5 रुपए खर्च किए होंगे, अगर एक आदमी के लिए 2.5 खर्च किए तो इसका मतलब 30 तो इन्होंने दिए ही हैं, 2.5 एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब 32.5 एवरेज हो गया। अब 32.5 एवरेज हो गया,
तो सीधा गुणा नो करेंगे तो आंसर आएगा 292.5, मतलब उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कर लोगे? क्लियर है? चलो आगे, एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट इन टुडेज मैच। ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स इन टुडेज मैच। ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स। इन टुडेज मैच ही टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन। देयर बाय हिज एवरेज Thereby his average decreases by 0.4 run per wicket. Find number of wickets till taken by him till today's match. एक बॉलर का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। आज के मैच में उसने 26 रन देकर 26 रन देकर 5 विकेट लिए 26 रन देकर 5 विकेट लिए जिससे उसका औसत जिससे उसका औसत 0.4 रन प्रति विकेट बेहतर हो गया। बेहतर नहीं हुआ, कम हो गया।
आज के मैच तक कुल कितने विकेट लिए? जल्दी बताओ फटाफट। देखो भाई, इसमें क्या 12.4 रन उसके पहले का एवरेज था, बिफोर आज के मैच से पहले का, ठीक है। और आज के मैच का उसका जो एवरेज है वो 26 रन दे के उसने 5 विकेट लिए हैं, तो आप नहीं कह दोगे 5.2, 5.2 रन प्रति विकेट होगा एवरेज, बताओ। क्लियर। और इन दोनों को मिलाने से उसका एवरेज 0.4 घट गया, तो इसका मतलब 12 रह गया, एलिगेट कर देंगे, तो यहां 0.4 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 6.8 आएगा, तो काट देंगे तो 17 और ये 1। तो इसका मतलब देखो, आज के मैच से पहले, बिफोर आज के मैच से पहले अगर वो 17 विकेट लेता तो आज के मैच में उसका विकेट होता 1। क्लियर है? आज के मैच से पहले 17 होता तो आज के मैच में विकेट होता 1, लेकिन आज के मैच में 1 नहीं लिया, कितने लिए? 5। तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 गुना हो गया, तो 17 गुणा 5 तो 85। तो देखो, आज के मैच से पहले के विकेट 85, आज के मैच के 5, तो टोटल विकेट हो जाएंगे भाई 85 प्लस 5 90। बताओ, समझ आई बात? आज के मैच से पहले के 85 हो गए और आज के मैच के 5 हो गए, तो 85 प्लस 5 कितना हो गया? 90 हो जाएगा। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है कोई से को?
क्लियर है? अच्छा बताओ इससे अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहोगे, फटाफट बताओ। इससे अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना पसंद करोगे? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड मिक्सचर एंड एलिगेशन, थर्ड कंपाउंड एंड सिंपल, फोर्थ फोर्थ छोड़ो बस इसी में से बता दो, तुम फिर ज्ञान लगाओगे। बताओ एक दो तीन, या तो एक लिखो या दो या तीन, जल्दी जल्दी टाइप करो। तीसरे की ज्यादा चल रही है भाई डिमांड, थर्ड 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 थर्ड। ठीक है अगली क्लास में कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट शुरू करेंगे, CISI। ठीक है चलो, अगर कोई डाउट होगा तो अगली क्लास के स्टार्टिंग में आप मेरे से डाउट पूछ लेना, ठीक है? अगर कोई डाउट बचता हो आपको लगता हो आप सर्च कर लेना आराम से, खूब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अगली क्लास के स्टार्टिंग में जैसे ही मैं आऊंगा मतलब कल, कल आते ही आप पूछ लेना, ठीक है? चलो तो टाटा बाय बाय।